हाँ तो चलो देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक बार डिस्कस कर दूं, ठीक? अब क्या है, जरा उस बात को समझ लो। जैसे मैंने कहा था कि आज डिस्कस करेंगे, बहुत सारे बच्चे इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान है, इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, या मान लो हर साल इस बात की डाउट रहता ही रहता है, इस बात का डाउट रहता ही रहता है बच्चों के साथ कि सर हम यदि 700 नंबर का पेपर करते हैं तो हमारे 620 आते हैं, और 650 नंबर का पेपर करते हैं तो हमारे 580 आते हैं, और 620 नंबर का पेपर करते हैं तो हमारे 530 आते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब बच्चा ये कह रहा है कि सर हर पेपर में हमारे कम से कम, हर पेपर में हमारे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब हर सब्जेक्ट में यदि बच्चा 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर रहा है तो जरा समझिए दिक्कत क्या है। जैसे 4 क्वेश्चन हमने गलत कर दिए, कुछ सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर दिए, कुछ में कॉन्सेप्ट एरर थी, मतलब हमें कॉन्सेप्ट ही अच्छे से नहीं आता था, हमने जबरदस्ती चिपका दिया, और कहीं पर हम तुक्का मार के आ गए कि यार 50% पता है ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, बचे हुए दो में कौन हो सकता, तो हम कहीं पर तुक्का मार के आ गए। तो सपोज करो हर पेपर में, मतलब हर सब्जेक्ट में तुम 4 क्वेश्चन गलत करते, तो यदि 4 क्वेश्चन तुमने बॉटनी में गलत किए, 4 जियोलॉजी में गलत किए, 4 फिजिक्स में गलत किए, 4 केमिस्ट्री में गलत किए, तो 16 क्वेश्चन गलत किए, तो 16 क्वेश्चन गलत करने का मतलब समझते हो क्या हुआ, कि तुम्हारे 4 क्वेश्चन वो भी गलत होगा जो तुम्हें आते थे। क्यों? 16 क्वेश्चन की निगेटिव मार्किंग भी तो -16 है कि नहीं, -16 हुई है ना, आई थिंक आप में निगेटिव नहीं है, भूल गया मैं। अच्छा तो जरा देखो, यदि आप 16 क्वेश्चन गलत करते हो तो जरा देखो कितना नुकसान, 16 क्वेश्चन गलत करने का मतलब समझ रहे हो कितनी दिक्कत। तो यार एक ही बात मैं कहूंगा, जब गलतियां ज्यादा होती हैं तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं, ज्यादा गलतियों के पीछे दो रीजन होते हैं, वो क्या क्या रीजन होते हैं? पहला रीजन होता है रिवीजन कम होना, और दूसरा रीजन मेरे प्यारे बच्चों होता है क्या, कॉन्सेप्चुअल एरर। बस दो बातें होती हैं, या तो हमें रिवीजन कम है, रिवीजन कम है तो हमें चीजें जो है धुंधली याद है, फार्मूला अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद नहीं है, या फिर हमें कॉन्सेप्ट आता नहीं है, दो बातें होती हैं। तो मेरा सभी बच्चों से कहना है कि रिवीजन बढ़ा दो, तो तुम्हारा एग्जाम फास्ट एग्जाम है और साथ साथ में तुम्हारा एग्जाम एक्यूरेसी का एग्जाम है, वहां पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, क्योंकि जिस जगह पे तुम लाई करोगे उस जगह पे बल्क ऑफ स्टूडेंट लाई कर रहा होगा, और यदि वहां पर निगेटिव मार्किंग आपने ज्यादा कर रखी है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखना रैंकों में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो सभी बच्चों से एक ही बात मुझे कहनी है कि एक्यूरेसी को बढ़ाओ, एक्यूरेसी को बढ़ाओ। अब बच्चा कहता है सर एक्यूरेसी कैसे बढ़े, तो उसके दो रास्ते हैं, एक रेगुलर टेस्ट दो, एक रेगुलर टेस्ट दो, जैसे हमें पता चलता जाए कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, और दूसरा रिवीजन करो। रिवीजन करोगे, रेगुलर टेस्ट दोगे तो आपका क्या होगा, आपको गलतियां पता चलती जाएंगी कि आप कितनी सिली मिस्टेक करते हो, कि आप बार बार क्वेश्चन में क्या गलती कर रहे हो, जल्दबाजी में आंसर गलत कर रहे हो, या फिर कॉन्सेप्ट में कहीं सिली मिस्टेक है, या कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक ज्यादा करते हो, या उतने कम टाइम में उस कॉन्सेप्ट को तुम पकड़ ही नहीं पाते। तो टेस्ट बहुत जरूरी है, इसी वजह से आप लगातार सी सेट दे रहे हो। मैं लगातार सी सेट क्लास के बाद क्यों ले रहा हूं, इसीलिए ले रहा हूं, इससे तुम्हें अपनी कमियां पता चलती चली जाएंगी, और साथ साथ में रिवीजन भी होता जाएगा, क्योंकि जितना पीछे पढ़ा देता हूं वो सारा सिलेबस में होता है।